और मेरा ये एक चार मिसरा है जो 14 मिलियन व्यू है इसका। सुना था कि वो भारत के मुकद्दर को संवारेगा, हमें जालिम बताकर वो हमारा सर उतारेगा। हमारे सामने तो है करबला की दास्तां रखी, ये चाय बेचने वाला हमें क्या खाक मारेगा। डर तो नहीं रहे ना आप? बहुत मैं बहुत जमाने से कहता हूँ कि लोग डरे हुए थे कि अल्लाह जाने दिल्ली से आवाज आई है 2020 तक मुसलमानों को हिंदुस्तान खाली करना है, निकलना पड़ेगा, भाग। डरे हुए थे, सहमे हुए थे। गरीब नवाज का आशिक गुजर रहा था, गरीब नवाज के आशिक ने पूछा क्यों डर रहे हो, कहा देखा नहीं न्यूज, आवाज आई है 2014 ही से कि 2020 तक मुसलमानों को हिंदुस्तान खाली करना है, निकालना होगा, एनआरसी लाए, सीए लाए। गरीब नवाज के आशिक ने कलाई पकड़ी, कहा ये दिल्ली वाले, कहा हाँ, कहा ये दिल्ली वाले। जब गरीब नवाज के बैठे हुए ऊंट को नहीं उठा पाए तो हिंदुस्तान से गरीब नवाज के आशिकों को क्या उठा पाएंगे। एक मर्तबा जिसने गरीब नवाज का सदका खाया है, मोहब्बत के साथ अपने हाथों को उठा के कहने या रसूल अल्लाह, और जरा मोहब्बत से कहने या रसूल अल्लाह। अब मैं चार मिसरा पढ़ता हूँ, मजमे से नारा लगना चाहिए। जिसने गरीब नवाज का सदका खाया है वो मजमे से बोलेगा कि पृथ्वी राज से लेकर के गिरिराज तलक, पृथ्वी राज से लेकर के गिरिराज तलक, कितने आए मेरी हस्ती को मिटाने वाले। आज तक हिंद में बच्चे ना किसी माने जने, आशिके खाजा को भारत से भगाने वाले। आज तक हिंद में बच्चे ना किसी माने जने। अच्छा, नारा लगाने वाले इंतकाल फरमा गए क्या है? किसी को नारा याद है मजमे में? आप पूरा नारा लगाइए खड़े होकर के मोहब्बत से। पृथ्वी राज से लेकर के गिरिराज तलक, कड़कती धूप है, कड़कती धूप है, फिर भी वो छाओ छाओ आता है। वो खुद को भूल जाता है जो तेरे गांव आता है। मेरे खाजा तुम्हारी बादशाहत का है क्या कहना, तेरे दरबार में अकबर भी नंगे पांव आता है। मेरे खाजा तुम्हारी बादशाहत का है क्या कहना, मेरे ख्वाजा तुम्हारी बादशाहत का है क्या कहना, तेरे दरबार में अकबर भी नंगे पांव आता है। नजर को बख्श दो ऐसा असर गरीब नवाज, नजर उठाऊं तो आओ नजर गरीब नवाज। मैं पुल सिराज से गुजरूं तो इस तरह गुजरूं, इधर फरीद खड़े हों उधर गरीब नवाज। मैं पुल सिराज से गुजरूं तो इस तरह गुजरूं, इधर फरीद खड़े हो उधर गरीब नवाज। मैं पुल सिराज से गुजरूं तो इस तरह गुजरूं, इधर फरीद खड़े हो उधर गरीब नवाज। और आखिरी शेर सुन ले, उसके बाद अजमत भाई सुनाएंगे आपको कि दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है, दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है। आप क्या समझते हैं, सिर्फ आप इनाम देते हैं, सैयद साहब लोग नहीं देते हैं? यकीन ना आए तो देख लीजिए हुजूर सैयद अरशद अफजली साहब को। आप लोग देते हैं तो मैं इसे नीचे रख देता हूँ, सैयद साहब देंगे, मैं हाथ में लूंगा फिर सीने से लगा करके रखूंगा, देख लीजिएगा अभी इंशाल्लाह। शेर में पढ़ के बता रहा हूँ, एक बार मोहब्बतों के साथ हाथों को उठा के कह दें या अली। ऐसा फिर भी आप कसम से तबाह किए हुए हैं आप। मोहब्बत से दोनों हाथों को उठा के कह दें या अली, अब लग रहा है कह दें या अली। मकाम कितना है ऊंचा इमाम ज़ादों का, मकाम कितना है ऊंचा इमाम ज़ादों का, भरम हुसैन ही रखे गुलाम ज़ादों का, लगा के नारे हैदर हलाल ज़ादों ने, हराम कर दिया जीना हराम ज़ादों का, लगा के नारे हैदर हलाल ज़ादों ने, लगा के नारे हैदर हलाल ज़ादों ने, हराम कर दिया जीना हराम। लगा के नारे, देखिए ये वो खानदान है अल्हम्दुलिल्लाह कि इंसानियत का रंग उतरने नहीं दिया, इंसानियत का रंग उतरने नहीं दिया, नेजों को गर्दनों में उभरने नहीं। अल्लाह करे कि जहां तक शेर पहुंच रहा है वहां तक आपका ख्याल पहुंच जाए।
के नेजो इंसानियत का रंग उतरने नहीं दिया, नेजो को गर्दनों में उभरने नहीं दिया, नेजे को कैद कर लिया अकबर के कल्ब ने, इस्लाम के जिगर में उतरने नहीं दिया, नेजे को कैद कर लिया अकबर के कल्ब ने, नेजे को कैद कर लिया अकबर के कल्ब ने, इंसानियत का रंग उतरने नहीं दिया, नेजों को गर्दनों में उभरने नहीं दिया, नेजे को कैद कर लिया अकबर के कल्ब ने, इस्लाम के जिगर में उतरने नहीं दिया। आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ शायर आजम हिंदुस्तान जनाब अजमत रजा भागलपुरी का इस्तकबाल। देखिए बड़ा शरीफ लहजा है, पढ़ने में शराफत नहीं है, माशाल्लाह बड़ी सादगी, मुअद्दब लहजा, संजीदा लहजा, और एक नात जो पूरी दुनिया में इनकी सुनी गई है, जो आप और मेरे भाई मौलाना इनायत अली साहब कुबला शरफी अजमत भाई ये भी मोहब्बत ही में यहाँ हाजिर है, वरना हकीकत यह है मुफ्ती मंजर हसन खान साहब कुबला कल अजमेर शरीफ जाएंगे, वो वहां से यहाँ आने की क्या जरूरत थी। हुजूर सैयद अरशद अफजली साहब कुबला खुद खानकाह अफजलिया, एक बड़ी खानकाह है बिहार की, अल्हम्दुलिल्लाह उसके सज्जादा नशीं हैं हजरत सैयद अब्दुल रहमान साहब क़िबला। अल्लाह ने जिंदगी में सैकड़ों रातें दी हैं, मगर अल्लाह का सबसे बड़ा करम आप मान लें कि गौसुल वरा की महफिल में बैठकर गौसुल वरा के लाल के चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं आप, है कि नहीं। मेरे पीर मुर्शिद सरकार ताजुल इस्लाम सैयदी निजामुद्दीन अशरफिया जिलानी ज़ाहिरन नहीं है यहाँ पर, मगर खुदा की कसम रंग और रंग आहन हवाओं फिजाओं से जाहिर हो रहा है कि सिर्फ ताजुल इस्लाम नहीं बल्कि कुतुबुल मशाइख भी यहाँ मौजूद हैं। जनाब लाल मोहम्मद अशरफ में एक मेरे भाई ने कहा था कि वो के मखदूम पाक की बारगाह में आपने उर्स मखदूमी के मौके पर मेरे बहुत जिद किया बच्चे ने मदरसे के, बड़ा मशहूर शेर है और कि सिर्फ डाली नहीं जड़ लेगा बहुत मारेगा, है कि नहीं। सिर्फ डाली नहीं जड़ लेगा बहुत मारेगा बहुत मारेगा बहुत मारेगा, सिर्फ डाली नहीं जड़ लेगा बहुत मारेगा, अपने पंजे में जकड़ लेगा बहुत मारेगा। मखदूम अशरफ की शिकायत न कहीं पर करना वरना जिन्नात पकड़ लेगा बहुत मारेगा, मखदूम अशरफ की शिकायत न कहीं पर करना, मखदूम अशरफ की शिकायत न कहीं पर करना, खुर्शीद भाई मखदूम अशरफ की शिकायत न कहीं पर करना वरना जिन्नात पकड़ लेगा बहुत मारेगा, मखदूम अशरफ की शिकायत न कहीं पर करना वरना जिन्नात पकड़ लेगा बहुत मारेगा। तो मोहब्बत के साथ मुझे एहसास हो कि रात की तन्हाइयों में आप एक दफा मोहब्बत के साथ उठाइएगा हाथ, दोनों हाथों को उठाकर अजमत रजा भागलपुरी का इस्तकबाल कर ले, फिर इंशाल्लाह वो अजमत रजा भागलपुरी उस लहजे का नाम है कि कलेजी नहीं इंशाल्लाह कलेजा तक आपके लिए हाजिर कर देंगे। मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठाइए, दोनों हाथों, अगल बगल में किसी का नहीं उठाए तो जबरदस्ती उठाइए कि कयामत के दिन तुम्हारा भी हाथ गवाही दे मेरे भाई। मोहब्बत के साथ अब अल्लाह की किबरियाई बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने मखदूम अशरफ, दारुलूम अशरफिया निजामिया, फैजाने मखदूम बिहार, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नाते नबी की शौकत पर, नाते नबी की शौकत पर हर दौर में नारा लगता है, देहली में अगर कोई नात पढ़े लाहौर में नारा लगता है।